चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए 5 बड़े बड़े चिकन के पीसेस, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच बिरयानी मसाला, ये शान बिरयानी मसाला है, 2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा कप दही। दही को हम पहले एक बड़े से बोल में ले लेंगे, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारे मसाले मिक्स कर लेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और बिरयानी मसाला पाउडर, और इसमें सॉल्ट भी डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लें पहले। उसके बाद हम चिकन के पीसेस को इसमें डाल के उसको कोट कर लेंगे, हर पीस पे मसाला अच्छे से कोट हो जाए। इस मसाले में हमें चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखना है, तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसे ढक करके हम फ्रिज में रख देंगे आधे से एक घंटे के लिए। आप चाहें तो ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। अब हम राइस बनाने की तैयारी करेंगे। राइस को वॉश करके रख लेंगे। ये 2 कप राइस है, शाहजीरा, 2 छोटी इलायची और थोड़ा सा दालचीनी, 2 लौंग, 1 तेज़पत्ता और 2 हरी मिर्चें। 1 ग्लास पानी हम डाल देंगे कुकर में, उसमें ये सारे मसाले डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, लगभग आधा चम्मच, लगभग 1 बड़ा चम्मच हम उसमें तेल डाल देंगे। अब इसमें पानी में पहले बॉईल आने का इंतज़ार करें। बॉईल आने के बाद में इसमें जो धुली हुई राइस हमने रखी थी इसको ऐड कर लेंगे। राइस डालने के बाद आप पानी एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा, राइस की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। पानी ज़्यादा नहीं होना है सो दैट राइस पूरा ना कुक हो। राइस को हमें सिर्फ 80% कुक करना है। एक विसल होने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। एक कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे, उसमें पतले पतले स्लाइस किए हुए अनियंस को हम फ्राई करने के लिए डालेंगे। इसे ऐसे ही तेज़ आंच पे चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लें, गोल्डन ब्राउन या ब्राउन कलर आपके अकॉर्डिंग। अब ये ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और अलग रख देंगे। राइस हमारा कुक हो चुका है, प्रेशर निकल चुका है और राइस को ध्यान रहे सिर्फ 80% ही कुक करना है, इसीलिए हमने पानी कम डाला था। बाकी का 20% ये दम में कुक हो जाएगा। उसी तेल में अब चिकन के पीसेस को डाल के फ्राई कर लें। इसे तेज आंच पे ही फ्राई करना है। अच्छे से मिक्स करते रहें ताकि हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो सके चिकन। जिस बर्तन में हमने मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा मसाला जो भी था उसमें पानी मिक्स करके और उस पानी को हम चिकन में डाल देंगे और उस पानी के साथ में ही कुक करेंगे। ये सारी कुकिंग हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही करना है। चिकन के पीसेस को पलटते रहें ताकि वो हर तरफ से अच्छे से कुक हो सके। ये हाई फ्लेम पे कुक हो रहा है, अब धीरे धीरे इसका पानी रिड्यूस हो रहा है। अब इसका पानी पूरा ख़त्म हो चुका है, इसमें मसाले हैं और चिकन के पीसेस हैं। अब हम इसमें बॉईल किए हुए 3 आलू डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मसाले से कोट कर लेंगे। थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद में हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी तैयार कर लें। जब ये ग्रेवी तैयार हो जाए, आधी ग्रेवी हम एक बोल में निकाल देंगे।
अब बिरयानी का दम प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए गैस पे हम सबसे पहले तवा रख लेंगे, उसके ऊपर से उस बर्तन को रखेंगे जिसमें हम बिरयानी को दम पे चढ़ाएंगे। मैंने ये कढ़ाई ली है, इसी पे मैं दम में लगाने वाली हूँ बिरयानी को, इसका लिड लगा करके। अब ये चिकन के पीसेज ऐसे ही नीचे बॉटम में रहेंगे, ये सिर्फ 50% ही कुक्ड हैं। राइस को हम पहले स्प्रेड कर लेंगे एक लेयर, इसके ऊपर से हम वो ग्रेवी डाल देंगे जो हमने साइड में निकाला था। उसके बाद दूसरी लेयर राइस को इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। पूरा राइस डाल देने के बाद में हम थोड़ा सा दूध लेंगे, लगभग 2 बड़े चम्मच दूध है ये। इसे भी उसी बोल में डाल करके जो रेस्ट मसाला रह गया उसमें मिक्स करके डाल सकते हैं, या दूध को ऐसे भी डाल सकते हैं। एक बड़ा चम्मच घी लेंगे, उसको भी इसी तरीके से गोल घुमाते हुए राइस के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम फ्राइड अनियंस को स्प्रिंकल कर देंगे, आप चाहें तो कटी हुई धनिया पत्ती भी इसके ऊपर से मिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही स्प्रेड करके कवर कर दें, और जो लिड में एक होल है उसको भी आप कवर कर दें ताकि स्टीम बाहर ना निकल सके। इसे दम पे पकने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब बिरयानी रेडी है, राइस भी उसके स्टीम में, ग्रेवी के स्टीम में, और दूध जो हमने डाला था उसके स्टीम में पूरी तरीके से पक चुका है। आधी वाइट राइस और आधी येलो राइस ऐसे करके हम मिक्स करके इसे सर्व कर देंगे एक प्लेट में। चिकन बिरयानी इज़ रेडी।